निकालना सीखा था, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कैसे निकालो। तो मोल्स के हमने लास्ट क्लास दो फॉर्मूले किए थे। फर्स्ट फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सेकंड फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें, तब आज हमें समझ आएगा मोल्स कैसे निकालते हैं। और आज हम सीखेंगे कि जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो रिएक्शंस में इस टाइप की बैटरी कैसे लगाते हैं। तो हमें रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है, देन प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, प्रोडक्ट के मोल्स गिवन तो रिएक्टेंट कितना रहा होगा, ये सारा कैलकुलेट करना हम आज सीखेंगे। तो उससे पहले समझने से पहले जनाब एक बहुत बेसिक सा डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कोई एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जहाँ पर बाइक मैन्युफैक्चर होते हैं, मोटरसाइकिल बाइक मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इस टाइप के बैटरी को समझने के लिए हम केवल इंजन और व्हील का यूज करेंगे। तो जब वन इंजन ई फॉर इंजन और टू व्हील से असेंबल होता है देन क्या फॉर्म होता है, वन बाइक फॉर्म हो जाता है। आगे कुछ रेडिस वन होगा या कुछ रेडिस भी क्या होगा वन होगा। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन है जो हमें एक हिंट ये करता है कि जब अपने पास एक इंजन होगा या फिर किसी के पास एक इंजन होगा और वो टू व्हील से असेंबल हो जाएगा देन क्या फॉर्म हो जाएगा, एक बाइक फॉर्म हो जाएगी। यहाँ से हमें केवल इतना आइडिया लग रहा है। अब रिएक्शंस कैसे स्टार्ट करते हैं, सपोज करो T इक्वल टू जीरो पर हमारे पास इंडस्ट्री में 10 इंजन थे और 20 व्हील्स थे और उस टाइम पर बाइक एक भी नहीं। मॉर्निंग का टाइम है, इंडस्ट्री में काम स्टार्ट होने वाला है, तो T इक्वल टू जीरो में सभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब कोई मैकेनिक आ रहा है, वो मैकेनिक करता क्या है, इंजन और व्हील को असेंबल करके क्या फॉर्म करता है, बाइक फॉर्म करता है। और सपोज करता हूँ ये एजम्पशन ले रहे हैं कि उसको 30 मिनट लग जाते हैं एक इंजन को टू व्हील से असेंबल करने में और जिससे कि एक बाइक फॉर्म करने में। तो जब टी इक्वल टू 30 मिनट बाद चेक करेंगे तो उसने एक इंजन यूज कर लिया होगा, इंजन कितने बचे होंगे 9, टू व्हील यूज कर लिए होंगे तो व्हील कितने बचे होंगे 18, और बाइक कितने फॉर्म हो गए होंगे, बाइक वन फॉर्म हो गया होगा। ठीक, उसके बाद फिर से बेटा 30 मिनट बाद देखेंगे कितना टाइम होता है, तब तक 60 मिनट। तो उस टाइम उसने फिर से इंजन यूज कर लिया होगा, इंजन कितने होंगे 8, और व्हील्स कितने होंगे उस टाइम बचे होंगे 16, बाइक कितने फॉर्म हो गए होंगे। ठीक, अब ऐसे करते आगे जितना आगे प्रोसेस होता रहेगा। अब मैं सपोज करूं तो ऐसे बोलते टी इक्वल टू 120 मिलियन और इंजन बचे हुए बेटा 12 और कैसे डैश करते, तो हमें क्या करना है, जब टी इक्वल टू 120 मिनट हो गया तो उस टाइम पर हमें यह फाइंड आउट करना है कि इंजन कितने बार गिरे होंगे और बाइक कितने फॉर्म हुए होंगे। ठीक, तो इसको हम जनरली सेंस ऑफ एयर फोर्स लगा सकते हैं, समझना। वन इंजन किस सैंपल होता है, टू व्हील से, या फिर हम बोल सकते हैं टू व्हील किस सैंपल होते हैं, वन इंजन से। तो वन व्हील किस सैंपल होगा, वन अपॉन टू इंजन से। अच्छा, अपने पास इनिशियली 20 व्हील थे, ये सब कितने व्हील्स बचे हुए हैं 12, कितने यूज कर लिए आपने 8, तो दैट 8 व्हील किस असेंबल हुए होंगे, 1/22 8 है, इंजन कितने इंजन लगाएंगे 4 इंजन। मींस जब हम 8 व्हील यूज करेंगे उस टाइम में कितने इंजन यूज हो गए होंगे 4 इंजन। तो शुरुआत में हमारे पास कितने इंजन थे 10, अभी हमने कितने यूज कर लिए 4, कितने बचे होंगे 6। तो प्रॉब्लम बेसिकली इसी टाइप से आते हैं, कुछ टाइम दे दिया होगा और एक कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया होगा, बाकी डाइजेस्ट करके छोड़ दिया गया होगा, उसको मैं जस्ट सॉल्व करता है इस इज देयर फोर्स ही लगा, ताकि क्लास में शॉर्ट कट बता देगा, उससे बहुत इजी होता है। अभी बेसिक कांसेप्ट समझते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एनर्जी लगा सकते थे 20 12, कितने
अभी इस टाइम पर हमारे कितने बिलीजुअल है, 8 बिलीजुअल है, तो एक बाई फॉर्म करने में कितने बिलीजुअल है, 2, तो कितने बाई फॉर्म होंगे, 4, इसको इस टाइप की मैट्रिक्स से भी लगा सकते हो, तो देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हो इस टाइप की मैट्रिक्स से, यहाँ से देखो वैसे 2 व्हील से क्या फॉर्म होता है, 1 बाई, देन 1 व्हील से क्या फॉर्म होगा, 1 अपॉन 2 बाई। अभी इस रिएक्शन में आपने कितने यूनिट यूज कर लिए, शुरुआत में 20, यहाँ पर कितने बच्चों को 12, कितने यूज किया हमने, 8 यूज कर लिए, देन 8 व्हील से क्या फॉर्म होगा, 1 बाई 2 इंटू 8 ठीक। जैसे और कोई टाइम में देंगे 3 इक्वल टू 4 आवर्स दे दिया, तो हमें ये बता दिया गया कि 8 बाइक्स कौन हो गए उस टाइम पे, ये हम पढ़ लेंगे ठीक है। फिर से देखो जरा, अभी जनरली क्या है, अपर इंजन से क्या फॉर्म होता है, 1 बाइक फॉर्म होता है, हमने कितने बाइक फॉर्म कर लिए, 1, कितने इंजन यूज करने पड़े होंगे, कितने इंजन यूज किए होंगे, इंजन यूज किए होंगे आपने 8, बिकॉज एक बाइक फॉर्म करने के लिए एक इंजन यूज हुआ, इस टाइप में कैसे दिख रहा है, तो 8 इंजन यूज किए होंगे हमने, शुरुआत में कितने इंजन थे हमारे पास, 10, 8 यूज करके कितने बाइक करे, कितने इंजन यूज हो रहे हैं, 8 इंजन यूज हो रहे हैं, और एक इंजन में कितने व्हील असेंबल होते हैं, वो असेंबल होते हैं, तो 8 इंजन ये लेकिन कितने बच्चे हो गए, 8 यूज कर लेगा, हमारे पास हमने 16 व्हील यूज कर लिए, देन कितने व्हील बचे होंगे, 4 व्हील बचे होंगे, तो यहां पर वो अमाउंट लेते हैं जो अमाउंट एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो यूज होगा उससे कोई मतलब नहीं, जो प्रेजेंट है ठीक। आप इसको भी इस टाइप की मैट्रिक्स से लगा सकते हैं, इस टाइप की मैट्रिक्स से लगाते हैं, देखो बाइक और इंजन में, बाइक और व्हील में स्टेटमेंट लगाते हैं, तो 1 बाइक जिससे फॉर्म होता है, 1 इंजन से, या 1 बाइक फॉर्मेशन 1 इंजन यूज होता है, तो कितने बाइक फॉर्म होते हैं हमारे पास, 8, तो 8 बाइक फॉर्मेशन में कितने इंजन यूज होंगे, 8 इंजन यूज होंगे, शुरुआत में हमारे पास कितने इंजन थे, 10 इंजन थे, 8 यूज हो गए, कितने बाइक रहेंगे, 2। सिमिलरली बेटा बाइक व्हील के लिए जाते हैं, 1 बाइक पे फॉर्मेशन में कितने व्हील यूज कर, 2 व्हील, देयरफॉर 8 बाइक फॉर्मेशन में कितने व्हील होंगे, 2 × 8 = 16 व्हील। शुरुआत में इनिशियली हमारे पास कितने व्हील थे, इनिशियली थे 20 व्हील, रिएक्शन में कितने व्हील हो गए, 16, देन कितने बाकी रहेंगे ठीक, ये भी लगा सकते, हो सकता है बहुत सारे लोग कोई लेंथ देगा तो एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, कैसे करना देखते हैं जरा। एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, LE या फिर ये इसके मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंजन और नंबर ऑफ इंजन, L सबस्क्रिप्ट E, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इंजन का कोफिशिएंट कितना, 1 कुछ नहीं है प्लेस पर, इक्वल एल ऑफ डब्ल्यू, व्हील का कोफिशिएंट कितना है, 2, उसे डिवाइड करें, इक्वल टू एल ऑफ वी, कोफिशिएंट कितना है, एल ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ इंजन्स यूज, एंड नंबर क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स यूज, एंड नंबर क्या है, नंबर ऑफ
बाय एक फॉर्मूला, प्रोडक्ट होगा तो वो इस चीज को डिनोट कर रहा है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, और रिएक्टेंट होगा तो इस चीज को डिनोट करेगा कितना अमाउंट क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो जरा एक बार इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं, टी इक्वल टू 4 आवर्स में इसको अप्लाई करके देखते हैं। जरा तो यहां पर हमारे पास डेटा, मेरे पास डेटा केवल किसके लिए, बाइक के लिए है, और इंजन के लिए कोई डेटा नहीं है। तो जरा समझो इस फॉर्मूले में एनबी क्या है, नंबर ऑफ बाइक फॉर, इनिशियली कितने बाइक थे हमारे पास, 0, अभी कितने बाइक हो गए हैं, 8, तो कितने बाइक फॉर्म किए हमने, 8। तो उस फॉर्मूले में एनबी की जगह लिखेंगे हम एट टी इक्वल टू 4 आवर्स एम ऑफ बी और नंबर ऑफ बाइक फॉर्म इक्वल टू 8। सब्स्टिट्यूट करो यहां पर एम ऑफ ई बाई 1 इक्वल टू एम ऑफ डब्ल्यू बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 1। इसको और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एम ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 16, और फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करेंगे देन एम ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वो ऑलरेडी सब नोट कर चुके हैं, एन ऑफ ई है नंबर ऑफ इंजन यूज है, तो कितने इंजन यूज हो रहा है, 8। इनिशियली अपने पास कितने इंजन थे, 10, 8 यूज कर लिया हमने, कितने बाइक रहे हमने, 2। एन ऑफ डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स यूज है, इनिशियली कितने व्हील्स थे हमारे पास, 20, और यूज कितने कर चुके हम, 16, तब कितने बाइक रहे होंगे, 4। तो सबसे बेस्ट है इस फॉर्मूले से करें, सिंस देयर फोर से क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी होंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन से इजी रहेंगे, बाकी आपका चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इस मेथड को प्रेफर करें तो शॉर्ट भी रहेगा लेंथी भी प्रॉब्लम होगी। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, बस एक ही पॉइंट हमें याद रखना है कि यदि हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स या जो नंबर यूज हो रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, जो क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। तो ये तो एक बहुत डेली लाइफ का एग्जाम्पल था जो हमने समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। अब जरा हम देखते हैं प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसका इक्विपमेंट कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए बेटा हैव अ प्रोसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो सबसे पहले जब भी हमें कहीं पे स्टोइकोमेट्री अप्लाई करना है या फिर इस टाइप से प्रॉब्लम अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, केवल ये चीज देखनी है कि रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या है, जो अमाउंट गिवन है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। तो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो उसी टाइम पर 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस हो जाएंगे। हम इस स्टोइकोमेट्री को मोल में भी अप्लाई कर सकते हैं और मॉलिक्यूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में मींस क्या है, जब 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा देन क्या फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ फिर से एक बार समझते हैं क्या है इसका मींस, जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा देन 2 मोल किसके फॉर्म होंगे, अमोनिया के फॉर्म होंगे। अब जो कुछ डेटा गिवन है देखते हैं, टी इक्वल टू 0, इसके मोल्स के लिए गिवन है हमारे लिए 10, इसके गिवन है हमको 30, इसके गिवन है 0, ठीक। अब टी इक्वल टू
लिविन है सिक्स, यू फाइंड आउट करते हैं टी इक्वल टू टी फाइनल। टी फाइनल का मतलब क्या है, जब रिएक्शन क्या हो गया एकदम फिनिश हो गया, मतलब सारा रिएक्टेंट क्या हो गया यूज हो गया, उसका रिएक्शन होना बंद हो गया। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको कोएफिशिएंट कितना है वन से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कोएफिशिएंट कितना है थ्री से डिवाइड करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया, कोएफिशिएंट कितना है टू से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसके मोल्स अपॉन सेम कोएफिशिएंट, उसको कोएफिशिएंट आया उसे डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मीन इसका मींस क्या है, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना होगा वन होगा, हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट थ्री है तो हाइड्रोजन को हमने थ्री से डिवाइड कर दिया, अमोनिया के आगे कोएफिशिएंट टू है तो अमोनिया को हमने कैसे डिवाइड कर दिया टू से। तो एन ऑफ एन टू क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज, एन ऑफ एच टू क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज, एंड एन ऑफ एन एच थ्री क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले टाइम इज वन आवर के लिए सॉल्व करते हैं, एट टी इक्वल टू वन आवर्स, इस टाइम पर मैं एन टू के लिए कोई डेटा गिवन नहीं है, एच टू के लिए कोई डेटा गिवन नहीं है, डेटा किसके लिए गिवन है अमोनिया के लिए। तो एन ऑफ एन एच थ्री ये क्या है, मोल्स ऑफ एन एच थ्री इसमें डेटा हमें किसके लिए गिवन है, थ्री आवर्स में डेटा हमें किसके लिए गिवन है, नाइट्रोजन के लिए गिवन है। अच्छा यहाँ पर जरा समझो, नाइट्रोजन के मोल्स इनिशियली थे 10 और अभी बाकी कितने, अभी कितने परसेंट है 6, और इस फॉर्मूले में एन ऑफ एन टू क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज ना कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो शुरुआत में अपने पास कितने मोल्स थे 10, अभी कितने परसेंट है 6, देन कितने यूज होंगे 4, तो एन ऑफ एन टू मीन्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज इक्वल टू 4, इनिशियली 10 थे अभी कितना है 6, देन कितने यूज होंगे 4, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4/1 एन ऑफ एच टू बाई 3 एन ऑफ एन एच 3 बाई। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, देन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे,
एंड फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हो जाएंगे, एक। फिर से जरा एक बार समझते हैं, एन ऑफ एच टू क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ध्यान रखना रिएक्टेंट होगा तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस यूज है, एंड प्रोडक्ट होगा तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस्ड और फॉर्म। देन शुरुआत में देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने थे, 30, और कितना यूज कर लिया हमने, 12, देन बाकी कितना रहा होगा, 18, और NH3 क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, शुरुआत में मोल्स कितने थे, 0, बाकी कितने प्रोड्यूस कर लिया हमने, 8, तो 0 प्लस 8 कितना होता है, आगे देखते हैं, T इक्वल टू DF, DF का मींस ये रिएक्शन खत्म होगा, तो जब रिएक्शन खत्म होगा तो दोनों रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो at T इक्वल टू PF कोई सा रिएक्शन खत्म कब होगा, जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, जब खत्म हो जाए रिएक्टेंट 0 हो जाए, तो at T इक्वल टू DF पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या, बिकॉज इनिशियली हमारे पास 10 मोल्स थे और अभी कितने मोल्स बाकी हैं, 0, तो हमने 10 के 10 मोल्स यूज कर दिए। सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज, शुरुआत हमारे पास कितने 30, अभी कितने बाकी हैं, 0, देन 30 की 30 यूज हो जाएगी, हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, फिर से स्टोइकोमेट्री लगाते हैं, अब यहां पर हम 10 भी डाल सकते हैं और 30 डाल सकते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 10 बाई 1 इक्वल टू 30 बाई 3 इक्वल टू टेन ऑफ टेन एस थ्री बाई 2, इसके साथ इसको सॉल्व कर लेना, इसको इसको सॉल्व करो, दोनों सिंपल आ जाएगा, टेन ऑफ एन एस थ्री कितना जाएगा, मीन्स अमोनिया के जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो अमोनिया के मोल्स प्रोड्यूस होंगे 20, देन शुरुआत में हमारे पास 0 मोल थे, अभी 20 प्रोड्यूस हो गए, तो यहां पर कितना मोल आ जाएगा, 20, तो यह मान लो क्या चलेगा। अच्छा, आई होप आप सबको समझ में आया हो। इसके बाद हम कल एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पर एक लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आएगा, यहां तक अभी हम केवल बेसिक सीख रहे हैं जहां पर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कल देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट क्या होता है।